आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे सीट के रूप में रोल किया जा सके, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी रोल्ड इनटू द सीट, यानी कि सीट में उसे रोल्ड करना है ना। सीट में रोल्ड करने के लिए क्या जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उसको क्या कहेंगे, जो प्रॉपर्टीज़ है हमारी उन्हें जो सीट में रोल्ड करना, तो प्रॉपर्टी कौन सी, इलास्टिसिटी होगी, प्लास्टिसिटी, मेल्डेबिलिटी, डक्टिलिटी या फिर टेनासिटी। जो हमारी सीट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम प्रॉपर्टीज़ को जो सीट को रोल्ड करना तो उसे मेल्डेबिलिटी कहते हैं, सीट को रोल्ड करने, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। और अगर बात की जाए डक्टिलिटी की, डक्टिलिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी जो उसे तार के रूप में खींचा जा सके, इसे तार के रूप में खींच सकते हैं तो डक्टिलिटी होगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, बिगर टाइम गवा है। और अगला क्वेश्चन है, बैरिंग बुश सामान्यतः किसके बने थे, जनरली बैरिंग बुश आर मेड ऑफ, कॉपर के बनेंगे, ब्रास के बनेंगे, वाइट मेटल के बनेंगे या गन मेटल के बनेंगे। तो बैरिंग के जो बुश होते हैं वो हार्ड मेटल के बनाए जाते हैं, गन मेटल इज़ द राइट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर होगा गन मेटल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन बोला गया है, वेधन छिद्रवरता या टैपिंग प्रचालन में औजार को पकड़ने तथा मार्गदर्शन के लिए प्रयोग किए जाने वाली युक्ति है, डिवाइस यूज फॉर होल्डिंग द गाइड द टूल इन ड्रिल रीमिंग एंड टेपिंग ऑपरेशन, है ना। ये कह रहा है कि कौन सा डिवाइस यूज़ होगा जो होल्ड करेगा और गाइड भी करेगा, को किसको, टूल को, है ना, ड्रिलिंग रीमिंग एंड टेपिंग ऑपरेशन में। तो कौन सा होगा देख लेते हैं, कौन कौन से, जिग, फिक्सचर, टेम्पलेट या नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा, जिग इसका राइट आंसर होगा, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन बोला गया, किसके शक्ति संचरण की दक्षता सबसे अधिक है, द इफिशेंसी ऑफ पावर ट्रांसमिट इन मैक्सिमम केस ऑफ, तो किसकी इफिशेंसी ज़्यादा होगी, रोप ड्राइव की, फ्लैट बेल्ट ड्राइव की, वी बेल्ट ड्राइव की या चैन ड्राइव की। रोप बेल्ट ड्राइव की तो वैसे ही वीक होएगी, ऐसी हो नहीं सकती, फ्लैट बेल्ट ड्राइव, अच्छा फ्लैट बेल्ट ड्राइव की कंपैरिजन तो वी बेल्ट की ज़्यादा होगी, और लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी होगी, चैन ड्राइव की, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा चैन ड्राइव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, एक अर्ध गोले पर एक शंकु स्थापित है, यदि गोला एल, शंकु आधार त्रिज्या आर तथा शंकु की ऊंचाई एच है, तो इस ठोस आकार का आयतन कितना होगा। तो इसके लिए क्या थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और जैसे कि क्या कहा गया, एक अर्धगोले पर एक शंकु स्थापित है, यानी कि एक अर्धगोला होगा इस तरीके से, एक अर्धगोला होगा और उस पर एक शंकु स्थापित किया गया इस तरीके से, है ना। तो शंकु का जो यहाँ से डायमेंशन, यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन शंकु की होगी, और इससे लेकर यहाँ तक की अर्धगोले की होगी। तो अब क्या है कि आयतन की बात कीजिए, तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या है, शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन होगा आपका 1/3 πr² h, और प्लस गोले का आयतन, गोले का क्या, हाफ हेमिस्फेरिकल, यानी कि 2/3 πr³, है ना। जब इसे हम निकालेंगे तो कॉमन कॉमन निकाल लेते हैं, यानी कि पाई कॉमन आ गया बाय 3, यानी कि 3 भी है, है ना, तो 3 आ गया, और क्या बचा, आर स्क्वायर भी बाहर निकल लेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, h बचेगा और यहाँ बचेगा r, है ना। तो क्या राइट आंसर होगा यहाँ पे देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा, यानी कि हमारे के पास क्या बता था, पाई पोन 3 आर स्क्वायर और कोलम में बचा h प्लस r, है ना। तो क्या है इसका राइट आंसर, यहाँ से देख लेते हैं कौन सा होगा, h प्लस r, यानी कि c इसका राइट आंसर होगा, c। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बिगर टाइम का है, सब बोला गया, टैप वाशर इज यूज टू, टैप वाशर कहाँ यूज़ करेंगे, सेल्फ लॉकिंग द में, लॉक द नट, अवॉइड वाइब्रेशन या फैब्रिकेशन वर्क में करेंगे, लॉक द, तो क्या होगा, इज द राइट आंसर होगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, टेपर कोण के सटीक मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एक्यूरेटली द एंगल, एक्यूरेटली देखा और वो भी एंगल मेजर करना, एक्यूरेटली एंगल मेजर करना। तो देख लेते हैं कौन कौन सी है इसमें ऑप्शन, बेबल गेज, बेबल प्रोट्रैक्टर, वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर या फिर टेपर गेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर, वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर की जो एक्यूरेसी होती है कितनी होती है, 5 मिनट। कई बार आ चुका है क्वेश्चन भी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा, लघु परिशुद्ध उपकरण एवं मापन गेज के लिए किस प्रकार के थ्रेड उपयुक्त है, विच टाइप ऑफ थ्रेड आर सुटेबल फॉर स्मॉल प्रिसीजन स्मील प्रोसीजन कंपोनेंट एंड मेजरिंग गेज, मेजरिंग गेज में जो होंगे स्मॉल में कौन कौन से होंगे देख लेते हैं, ब्रिटिश एसोसिएशन स्क्रू थ्रेड, विथवर्थ स्क्रू थ्रेड, एक्मी थ्रेड
या फिर स्क्वायर थ्रेड, तो कौन सी होती है जो प्रिसीजन जो होती है स्मॉल प्रिसीजन कंपोनेंट में जो और मेजरिंग गेजों में जो लगाई जाती है वो कौन सी लगाई जाती है? बीए थ्रेड का एंगल कितना होता? 47.5 डिग्री, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और बोला गया मोनल धातु में क्या है? मोनल मेटल कौन से? तो निकिल एंड एल्यूमिनियम, और निकिल एंड कॉपर, निकिल और क्रोमियम, निकिल एंड जिंक। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? निकिल होगा और क्या होगा? कॉपर होगा, यानी कि निकिल और कॉपर इज द राइट आंसर है। बीस का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है इसका, बोल रहा है एक केस सुदृढ़ प्रक्रिया में स्टील पर अमोनिया गैस लगाई जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इन केस हार्डनिंग प्रोसेस, केस हार्डनिंग प्रोसेस है और अमोनिया गैस है ना ऑफ स्टील, द प्रोसेस इज नोन एज, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे जो केस हार्डनिंग का होगा और अमोनिया गैस उस पर स्टील पर लगाई जाएगी। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से, साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, कार्बोराइजिंग या अमोनिया। तो स्टील की पर जो अमोनिया गैस लगाई जाती है उस प्रक्रिया को कहते हैं नाइट्राइडिंग। इसमें किसका बीस का राइट आंसर होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।